हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी और लगभग 4 बजे उठी थी। पूरे घर में झाड़ू वगैरह हो गया है हमारा, उसके बाद अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। आज स्कूल का हमारा आखिरी दिन है तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के उसके बाद स्कूल के लिए निकला जाए। वैसे कल संडे है तो कल पोछा लगाती, लेकिन बहुत घर गंदा लग रहा था तो सोचा नहीं था कि लगाऊंगी, लेकिन मन नहीं माना तो फिर मैंने सोचा चलो पोछा लगा ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब खुले में मेरा घर है ना, तो बहुत गर्द आती है, एकदम महीन महीन धूल कण भरे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज सवेरे उठ गई हूँ तो लगा लेती हूँ। वैसे मैं डेली सवेरे ही उठती हूँ, लेकिन आज लगा लिया। उसके बाद ये नाश्ता भी बना रही हूँ, थोड़े से गुलगुले बना रही हूँ अभी। बस अभी खाना नहीं बनाऊँगी, मतलब स्कूल से आने के बाद ही बनेगा, तो थोड़ा सा वैसे ही जरा सा मैंने बना दिया है। उसके बाद निकलेंगे स्कूल के लिए, आप लोग आइए। और ये गुलगुला जो है देहाती जो कहिए या शहरी कहिए, हम लोग को पसंद है। तो मैंने नाश्ता बना लिया, उसके बाद नहा धो के स्कूल के लिए निकल गई हूँ। और ये देखिए फतुहा का टूटा हुआ पुल, जो कि पीपा पुल बना है ना, ये देखिए रास्ता आने जाने के लिए। और उधर देखिए सामने वो बन रहा है, अभी टूटेगा फिर बनेगा, काम चालू है। पता नहीं 2 साल लगते हैं या 3 साल लगते हैं बनने में। तो अभी तो यही वैकल्पिक जो रास्ता बना है उसी से आते जाते हैं। तो ये लोहे का बना हुआ है और चलने में पूरा आवाज़ करता है, इस तरह से दिखता है। इधर से आप देखिए पूरा, उधर सूर्य भगवान भी उगे हुए हैं। 6:30 का टाइम हो रहा है, हमारा स्कूल 7:45 से होता है, तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाती हूँ। और अभी यहाँ देखिए सड़क पे आ गई हूँ, यहाँ पे मछली वगैरह बिकता है खूब। यहाँ पे मतलब मंडी लगती है चिकन की और फिश की, देखिए लोग बहुत सब खरीदते हैं जिनको इच्छा होती है वो खाने के लिए। तो अभी स्कूल भी पहुंच गई और छुट्टी का टाइम, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि समर वेकेशन हो चुका है आज ही हमारे स्कूल में, अब 12 तारीख को खुलेगा। करने हैं ये सर, देखिए कैसे दिखता है, देखिए इधर देखिए, देखिए दिख भी नहीं कर रहा है। तो बस आज स्कूल में बच्चों को विदा करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अब लगभग 20-22 दिन की छुट्टी है, उसके बाद ही मिलेंगे। तो घर आ गई हूँ और मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है बनने के लिए एक तरफ, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे पोई का जो पत्ता होता है ना उसके पकौड़े तल रही हूँ गरम गरम, खिचड़ी के साथ खाएंगे। ये बगल के खेत से ही कोई दे गए हैं, उनके यहाँ भुना हुआ है दे गए हैं, इसलिए मैं गर्म गर्म ही इसके पकौड़ियाँ बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, खिचड़ी के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा ये। तो अभी मतलब स्कूल से लौटते लौटते 10 बज गए थे और आते ही मैंने फट से खिचड़ी चढ़ा दी। वैसे आज से छुट्टी है तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ अजीब सा लग रहा है। बच्चे अब 20-22 दिन के बाद ही देखने को मिलेंगे। वैसे मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और बच्चों के लगाव के कारण ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। आने के बाद मैंने तुरंत फटाफट खिचड़ी चढ़ा दी और यहाँ पे देखिए अभी मैं दही ले रही हूँ, उसको अच्छे से पहले फेंट लिया है और इसमें डाले हैं ये अनार के दाने। इस बार जो अनार ये पहले का है तो मतलब उतना लाल नहीं दिख रहा है, उतना मतलब थोड़ा सा उजला टाइप ही था। तो साल को दही मतलब खाली दही खाना पसंद नहीं, उसमें कुछ भी डाल के रायता बना देते हैं तो वो आराम से खा लेता है, तो इसलिए भी बना रही हूँ। खिचड़ी भी देखिए बन के तैयार हो गई है, इसको भी छौंक दिया है, बस अब सर्व करते देते हैं पहले उसके लिए, उसके बाद मैं भी अपने लिए लगा लूँगी। और आप लोग भी आइए, जिनको खिचड़ी पसंद है वो सब खा सकते हैं। खिचड़ी में सभी चीज़ें हैं, बस एक आलू का चोखा मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, पकौड़े हो गए थे, आलू के चिप्स, ये जो मैं मार्केट से लाई थी मॉल से वो आलू का चिप्स है, आम की चटनी है, ये जो नमकीन वाला होता है, और मीठी चटनी भी मैंने बनाई है वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी इसलिए आलू का चोखा मैंने नहीं बनाया। अभी हो गई है शाम, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और ये अभी आए हैं बाहर से, तो देखिए क्या क्या लेके आए हैं। मतलब शाम तो नहीं हुई है, लगभग 3 बज रहे होंगे, तो ये फिर से फल वगैरह ले के आए हैं।
तो इस बार जो ये फल लेके आए ना, तो इसमें अनार के दाने बहुत अच्छे निकले थे, रेड रेड से, तो ठीक लग रहा था। और पहले जो आया था 3-4 दिन पहले, उसका मैंने रायता बनाया था, तो वो वाला थोड़ा उजला उसका दाना था, मीठा नहीं था उतना। लेकिन ये जो अनार है ना, ये सारे दाने इसके लाल लाल थे और मीठे मीठे से भी थे। पपीता भी लाए हैं, टमाटर लाए हैं, ककड़ी मैंने मंगवाया था, लेकिन ककड़ी की जगह पर ये खीरा ले आए हैं। बेल भी लाए हैं, तो बेल का शरबत आजकल पीने में बहुत अच्छा लगता है, पेट एकदम साफ हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ों को पहले मैं रख लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी बेल का शरबत, जो कि बहुत ही मतलब पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, अच्छे से मैंने बेल का शरबत भी बना लिया, इसमें चीनी वगैरह डाल दी है, और अभी सब कोई मिलके बेल इंजॉय करते हैं। इसका जूस शरबत बहुत ही गर्मी के दिन में पीने लायक होता है, आप लोग ज़रूर बना बना के पीजिए, बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।